सो व्हाट्स अप गाइस, जैसे कि आपको पता है पोकेमोन यूनाइट ने एक और नया पोकेमोन लॉन्च किया है जिसका नाम है चांडीलियोर। और चांडीलियोर भी जेशियन की तरह ही 5-स्टार ऑफेंस रेटिंग वाला है। और आपको तो पता ही है जेशियन ने कितनी तबाही मचा रखी है। और जो भी यार जेशियन और कॉम्फी लेके खेलते हैं भाई, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूं। तो आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है हाउ टू यूज चांडीलियोर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चांडीलियोर के सारे मूव्स की डिटेल में, ये कैसे काम करते हैं और आपको इसको कैसे यूज करना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा मूव सेट प्रीफर करता हूं। और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके बिल्ड और एम्बलम्स के बारे में। तो ये पूरी हमारी कंप्लीट गाइड वीडियो होने वाली है दोनों मूव सेट के बारे में। और इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और भाई तुम अभी लाइक कर दो, तुम लास्ट में भूल जाते हो और निकल जाते हो, भाई तुम अभी लाइक करो। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी गाइड वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी जाना नहीं, अभी पहले ये वाली पूरी देखो फिर जाना दूसरे पे। और नेक्स्ट गाइड वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में कमेंट करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, इस मोमबत्ती को चांडीलियोर बनाने से पहले इसकी पैसिव एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पैसिव एबिलिटी क्या करती है कि जब भी आप अपोजिंग पोकेमोन या फिर वाइल्ड पोकेमोन किसी को भी डैमेज देते हो तो आपको एक स्टैकिंग बफ मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नीचे मेरा स्टैकिंग, इसको बोलते हैं हम स्टैकिंग बफ। तो वो बफ क्या करता है कि एनिमी के स्पेशल डिफेंस को 2.5% कम कर देता है, यानी कि 2.5% तक कम कर देता है। और टोटल होते हैं 8 स्टैक। तो 8 × 2.5 कर दो तो 20% होता है, यानी कि आप किसी भी एनिमीज को डैमेज देते हो और 8 स्टैक कर देते हो तो उसके ऊपर जो भी डैमेज आएगा उस 20% स्पेशल डिफेंस को इग्नोर कर देगा। तो बात करेंगे हम इसके पहले मूव सेट के बारे में जो है हमारा फ्लेम थ्रोअर और पोल्टरजीस्ट। अरे क्या है ये? खैर देखो यार, मेरा प्रोनंसिएशन गलत हो सकता है बिकॉज माई इंग्लिश इज वेरी कमजोर। तो देख लेना आप, लगा लेना क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता, डब्बा है वैसे भी। खैर अब बात करते हैं इसके फ्लेम थ्रोअर के, जो हमारा पहला मूव। तो फ्लेम थ्रोअर क्या करता है? तो फ्लेम थ्रोअर जब भी आप किसी एनिमी पे यूज़ करते हो तो 2.5 सेकंड तक वो जल जाता है, मतलब आग लगा देता है। ये आग ही लगाता है, लालटेन का काम और वो भी क्या सकता है नहीं। खैर देखो, इसकी हम बात कर ले पहले, इसका मूव कूल डाउन बंद कर देते हैं। तो जब भी आप यूज़ करते हो तो जो ये हमारा गोला दिख रहा है, जब ये गोला किसी एनिमी पे टच होता है तो आपका जो कूल डाउन है वो 65% तक कम हो जाता है। मतलब जब ये लगेगा तब ही 65% कम होगा। अगर आप इसको आगे से मारोगे तो इसका कूल डाउन कम नहीं होगा, जो कि बहुत गलत बात है। अब गलत बात क्यों है वो मैं बताता हूँ, गलत बात क्यों है क्योंकि देखो यार, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आप जिसकी सर्कल है इस सर्कल में ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, इस सर्कल के अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते, यानी आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आपको अगर टारगेट यहाँ पर है, अगर सपोज़ आपके पास में टारगेट यहाँ पर आ गया तो आपको पीछे जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, और भाई इतनी आसानी से तो कोई जाने नहीं देगा। तो ये है जिसका मुझे इसे ड्रॉबैक लगता है, जो इनको बफ देना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए जिससे कि अच्छा यूज हो सके। वैसे तो काफ़ी बढ़िया है, रिसेट हो जाता है जल्दी जल्दी। आप ब्लू बफ लेके और सेल बेल और एनर्जी एम्प लेके भी थोड़ा सा कूल डाउन और कम कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल होना चाहिए। जो ये है हमारा सर्कल, इसका रेंज थोड़ा एडजस्टेबल होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। फ्लेम थ्रोअर प्लस होने के बाद अगर आप ये सर्कल है जो हमारा छोटा गोला, इसको अगर आप एनिमी पर टच कराते हो तो चांडीलियोर का डैमेज 20% तक बढ़ जाता है 3 सेकंड के लिए। अब जैसे आपने यूज़ किया तो हमारे 3 सेकंड के लिए डैमेज बफ हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। आप दोबारा मारोगे तो दोबारा आपको 3 सेकंड का टाइम मिल जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे करके 20% इंक्रीज डैमेज के साथ मार सकते हो। तो इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसके। और एडजस्टेबल होता तो और बढ़िया चीज़ होती, देखते हैं क्या पता हमें आगे देखने को मिल जाए। तो बात करते हैं हम दूसरे मूव के बारे में जो है हमारा पोल्टरजीस्ट। तो ये पोल्टरजीस्ट टेबल चेयर कुर्सी, ये चार चीज़ें हवा में उड़ा रहे हैं, जैसे कि चार ही चीज़ें उड़ती है हवा में। तो सपोज़ कोई यहाँ पर आके इससे टकरा गया तो उसकी जो मूवमेंट स्पीड है, तो मूवमेंट स्पीड उसकी 65% तक कम हो जाती है 1 सेकंड के लिए। और उस पर डैमेज भी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड कम होगी, उस पर डैमेज भी आता है, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज आता है उस पर। और जब ये लेवल 13 हो जाता है, यानी कि 13 लेवल पर प्लस हो जाता है, तो प्लस होने के बाद जो स्लो डाउन है एनिमीज का वो 65% से बढ़कर 80% हो जाता है, यानी कि हमारा इस पे टकराए अगर कोई तो 85% तक उसका जो मूवमेंट स्पीड है वो कम हो जाती है। तो यार अब बात करते हैं इसके दूसरे मूव सेट के बारे में जो है हमारा इम्प्रिजन और ओवरहीट।
तो जैसे कि नाम में ही ये गरम करके जेल भेज देता है, लेकिन ये जेल नहीं भेजता है, गरम करके मार ही देता है भाई। तो बात करते हैं कि ओवरहीट को यूज कैसे करना है। तो देखो जो भी नए प्लेयर्स आते हैं या फिर जो भी नया इसको यूज करते हैं चांडीलर को, तो कैसे यूज करते हैं, वो दबाता है ऐसे ओवरहीट को, फिर बोलता है भाई हमारा तो एक ही गोला छूट रहा है यार, बाकी लोग तो तीन तीन गोले मार रहे हैं। तो भाई वो तीन गोले मारने के लिए तुम्हें ओवरहीट को होल्ड करके रखना पड़ता है, यानी इसको दबा के रखना है, और उसके बाद आप भी तीन गोले छोड़ सकते हो और ये फाइनल वाला मार सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं तीन गोले छोड़ो, किसी भी डायरेक्शन में मार सकते हो और किसी भी रेंज में मार सकते हो। जैसे कि हमारा फ्लेम थ्रोअर था, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, दाएं बाएं कहीं भी फेंक सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि इसको यूज करने के भी अलग अलग तरीके हैं, इससे इसके कूलडाउन पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पे एक टच करता हूँ, उसके बाद मैं मारता हूँ, तो मेरा कूलडाउन आपको दिख रहा होगा 2.5-3 सेकंड का है लगभग, और अगर मैं साइड में मारता हूँ तब भी मेरा 2.5-3 सेकंड का ही रहता है। यानी कि अगर हमारा एक बार लग गया या फिर 0 बार लगा तो हमारा 2.5-3 सेकंड का कूलडाउन होता है, लेकिन अगर हम इसको 2 बार टच करते हैं तो हमारा कूलडाउन वहीं पर 4 सेकंड का हो जाएगा, 3-4 सेकंड, मतलब 3.5 से 4 सेकंड का हो जाएगा। और अगर हम तीनों बार टच करते हैं तो हमारा जो कूल डाउन है वो लगभग 5 सेकंड का हो जाएगा। तो अब कुछ समझदार बंदे बोलेंगे यार 5 सेकंड तक वेट करने से अच्छा हम भाई डायरेक्ट ऐसे मारेंगे, यूज़ करेंगे, 2.5 सेकंड में हमारा कूल डाउन खत्म हो जाएगा, 5 सेकंड हम 2 बार यूज़ करेंगे। और जैसे कि आपको पता है फाइनल हिट का ज़्यादा डैमेज आता है, जैसे कि हमारे पिंक वाला, इसको हम फाइनल हिट बोलेंगे, तो इसका ज़्यादा डैमेज आता है। तो लोग बोलेंगे भाई हम एक बार यूज़ करके इसको यूज़ करेंगे, 5 सेकंड में हमारा 2 बार यूज़ हो जाएगा अच्छा खासा, उसको हम एक बार यूज़ करने से अच्छा ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो भाई ऐसे ही समझदार बंदों को काउंटर करने के लिए पोकेमोन यूनाइट वालों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने क्या कर दिया कि डैमेज डिफरेंस दे दिया। अब डैमेज डिफरेंस कैसे दे दिया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सपोज एक बार टच किया, उसके बाद हम फाइनल हिट को यूज़ करते हैं, तो हमारा डैमेज कितना आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं लगभग 1200 का डैमेज अगर हम एक बार हिट करते हैं, तो वहीं अगर हम 2 बार हिट करते हैं तो हमारा जो फाइनल हिट है उसका डैमेज हमारा जो हमारा 1200 का आ रहा था उससे बढ़कर हमारा 1500 का हो गया, मतलब लगभग 1600 के आसपास का हमारा डैमेज हो गया, जो कि हमारा लगभग 400 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। वहीं अगर हम 3 बार यूज़ करते हैं, मतलब 3 बार हम किसी पोकेमोन को हिट करते हैं, तो उसके बाद हमारा डैमेज उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। जो डैमेज हमारा 1600 का था हमारा लगभग 1950 यानी कि लगभग 2000 के आसपास का हो गया। तो यही इन्होंने डैमेज डिफरेंस किया। तो जो सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसा ये यूज करके मारेंगे तो आपका फाइनल हिट का डैमेज कम आएगा, तो आपको ऐसा यूज नहीं करना है। आपको कोशिश हो सके तीनों मारनी है, तीनों लग जाएंगे तो उसका डैमेज ज़्यादा आएगा और जो फाइनल हिट है हमारा उसका डैमेज ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। और लेवल 11 होने के बाद इसका कूलडाउन जो है 1 सेकंड और कम हो जाता है, यानी ओवरहीट का जो कूलडाउन है वो 1 सेकंड का और कम हो जाता है, जिससे कि आप और धुआंधार मार सकते हो एनिमीज को। तब बात करते हैं इम्प्रीजन के। तो इम्प्रीजन में सामने की तरफ एक ब्लैक जोन क्रिएट कर देता है, मतलब ब्लैक तो नहीं ब्लू बोलेंगे, 4 सेकंड के लिए एक जोन क्रिएट हो जाता है, और जो भी पोकेमोन इसमें सबसे पहले आ जाता है वो 0.7 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है, मतलब लगा लो 1 सेकंड के लिए भी स्टन नहीं है, 1 सेकंड के लिए ही दे देते यार, कुछ जा रहा था इसका बच जाता है इतने में। तो ये पहला पोकेमोन जो आएगा वो 0.7 सेकंड के लिए स्टन होगा। तो आप बोलोगे यार बाकी पोकेमोन स्टन नहीं होंगे क्या? नहीं, बाकी पोकेमोन जो भी आएंगे अपोजिंग वाले वो स्टन नहीं होंगे, लेकिन उनके जो मूव्स हैं वो काम नहीं करेंगे। जैसे हमारा क्लेवेवल का ग्रेविटी में कोई भी मूव काम नहीं करता है, मतलब इस एरिया में जो भी होगा एनिमीज तो उन पर कोई भी मूव यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो अपने मूव यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बेसिक अटैक मार सकते हैं। और इसको लालटेन को बुझाने के लिए भाई बेसिक अटैक ही काफ़ी है। तो इसका स्टन भी ज़्यादा नहीं है, 0.7 सेकंड का स्टन है, स्टन भी 1 सेकंड का होना चाहिए था लगभग, लेकिन ठीक है जैसे भी है। और लेवल 13 होने के बाद जब से सपोज आप सामने से पूरा ग्रुप आ रहा है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हो सब पे तो सारे स्टन हो जाते हैं 0.7 सेकंड के लिए और सबके मूव नहीं चलेंगे। जैसे कि पहले था सिर्फ एक ही एनिमी स्टन होगा जो इसमें एंटर करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप नॉर्मल कहीं पे यूज़ करते हो उसके बाद कोई एंटर करते हैं तो पहला ही स्टन होगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप आ रहा है सामने से और उन सब पे यूज़ कर दे तो वो सारे स्टन होंगे 0.7 सेकंड के लिए लेवल 13 होने के बाद। तो बात करें इसके यूनाइट मूव की, तो यूनाइट मूव इसका सेकंड टाइम यूज़ होता है, मतलब तो पहली बार वो सिर्फ सामने वालों को अंधा करेगा, मतलब उनका जो विज़न है वो ब्लॉक कर देगा, छोटा सा सर्कल में उनको दिखाई देगा, बाकी उनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा जब आप इसको यूज़ करोगे। और उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो तो लेज़र टाइप की मारेगा जिसकी बहुत ज़्यादा डैमेज आता है एनिमीज पे। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसका ये जो वाइट वाइट है ये इसका एरिया है, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ करते हो तो जितने भी इसके अंदर होते एरिया में होते हैं उस सबका विज़न ब्लॉक हो जाएगा और उनको बहुत कम दिखाई देगा। तो आपको यूज़ करना है जैसे एनिमीज़ के ग्रुप के आसपास जाकर, जैसे कि यहाँ पर फाइट हो रही है तो आपको जाना है फाइट पास में, वहाँ से थोड़ा सा पीछे आ जाना है और पीछे जाके थोड़ा यूनाइट भी मारना है अपने टीममेट्स का कवर लेके, क्योंकि इसकी HP कम है, तो अगर आप 1-2 अटैक भी पड़े तो आप जा सकती है, मतलब आप नॉकआउट हो सकते हो। तो उससे बचने के लिए इसको यूज़ करके थोड़ा सा पीछे आके इसको यूज़ करना है, इसका काफ़ी अच्छा खासा डैमेज आता है और पूरे ग्रुप पे इसका डैमेज आता है।
पोल्टरजिस्ट और फ्लेम थ्रोवर यूज कैसे करना है। तो अगर आप पोल्टरजिस्ट को ऐसे यूज करते हो सिंपल, जैसे ये आप सामने वाला पोकेमोन है, तो ज़्यादा चांसेस है कि बीच से निकल के बिना किसी से टकरा के आ सकता है। वैसे इसकी मूवमेंट स्पीड कम तो हो जाएगी लेकिन उस पर डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि डैमेज तभी आता है जब ये ऑब्जेक्टिव घूम रहे, हमारी कुर्सी टेबल घूम रही, इन पर टकराएगा तभी डैमेज आएगा। तो आपको ये सीधा सीधा यूज़ नहीं करना है, इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करना है, इस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ से कोई आ रहा है, सपोज़ ये कोई पोकेमोन एनिमी है, तो अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो वो निकल सकता है। तो आपको ये यूज ऐसे करना है जिससे कि वो यहाँ से आए और वो कहीं भी जाए, वो किसी ना किसी दो ऑब्जेक्टिव से तो कन्फर्म टकराएगा। तो आपको ये ऐसे यूज़ करना है जिससे कि वो टकरा जाए इधर उधर आके, अगर वो अंदर एंटर करता है तो वो दो तीन से टकरा ही जाएगा। तो आपको पोल्टरजिस्ट को इस तरीके से एक्टिवेट करना है, उसके बाद आपको इस डायरेक्शन में आ जाना है, एनिमी पे ये मारना है आपका फ्लेम थ्रोवर, फिर से ये मारना है, उनको फोर्स करना है आपको कि आपके पीछे वो इस डायरेक्शन में आए, तो आपको ये मारना है। तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो उन पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज आएगा, तो ऐसे ही आपको करना है, उनको फोर्स करना है कि वो आपके पीछे आए, वो भी गलत डायरेक्शन में, जैसे कि आपने यूज़ कर दिया, तो जिससे कि आपकी जो सारी ये टेबल चेयर्स हैं इन पर टकरा जाएँ और उन पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ जाए। तो ऐसे आपको इसको यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं मूव सेट 2, जो है हमारा ओवरहीट और इम्प्रिजन, इसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था, आपको ये तीनों कनेक्ट करने हैं, उसके बाद इसका ज़्यादा डैमेज आता है जो हमारा फाइनल हिट होता है। तो ये आपको तीनों श्योर करने की तीनों डैमेज आ जाए एनिमीज पे और उसको यूज़ करना है। जैसे कि आपने यूज़ करे, सपोज एनिमी है कोई तो आपके पीछे पीछे आएगा, तो आपको पीछे पीछे जाना है, जैसे पीछे आएगा तो ये आपको ये दबा देना है, अपना इम्प्रिजन यूज़ कर देना है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं मोटे को बाहर बुलाता हूँ, रुको, आजा मोटे आजा, इधर आ, ए इधर आ, भाई यार क्या उल्लू आदमी है भाई, को इधर आजा, शाबाश मेरे शेर, और इधर, अरे इधर आ, शर्मा गया क्या भाई, इधर, हाँ इधर, ये रुक, तो खड़ा रहे, पहले कूल डाउन पे लगा देते। सपोज ये कोई पोकेमोन है सामने वाला, आप पे अटैक कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये मेरे पे आ रहा है, आजा भाई, ये भाई छुप गया, आजा, ये कर लो पहले तुम, ये कर लो ये सब। तो जैसे कि पीछे पीछे आएगा तो आपको ये यूज करना है, और भाई ये ज्यादा ही पास आ गया तो ऐसे यूज करना है, इस पे इंक्रीजन दबा दो, ज्यादा ही पास आ गया तो आपको दूर दूर जाते रहना है, तो इस पे ऐसे यूज करते रहना है आपको। वैसे ये ऐसे पोकेमोन नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़ा और दूर रहना है, जो इसकी रेंज है वहाँ तक रहना है आपको, ये यूज़ करने, फिर उसके बाद ये यूज़ कर देना है आपको, ये उसके पास में फोड़ने बम, जो ये गोले हमारे, आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, सपोज क्लोज रेंज में नहीं जाना, आपको लॉन्ग रेंज पे ही फाइट लेनी, जो इसका सर्कल है ऐसे छोड़ते रहना है और इसको ऐसे ही मारते रहना है, तो काफ़ी बेटर ढंग से आप यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं कि मुझे दोनों में से कौन सा कॉम्बो ज़्यादा बेटर लगता है। तो देखो यार, मुझे क्रॉस कॉम्बो काफ़ी बेटर लगा ओवरहीट के साथ पोल्टरजिस्ट, क्योंकि फ्लेम थ्रोवर जैसे कि वो एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो मुझे इतना खास नहीं लगा, और ओवरहीट हमारा एडजस्ट हो जाता है किसी भी रेंज पर, इसका डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। और अब दोनों की बात करें हम प्रिजन और पोल्टरजिस्ट की, तो प्रिजन में देखो क्या है, छोटा सा एरिया रहता है, उसमें एनिमीज जो भी होते हैं वो अपने मूव्स यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन वो छोटा सा एरिया, उससे बाहर निकल के सामने वाले मूव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट स्पीड स्लो नहीं होती है। लेकिन हमारे जो पोल्टरजिस्ट है उसमें एनिमीज अगर इसके बाउंड्री में भी आसपास आ गए तो उनकी मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, यानी कि 13 लेवल पे लगा लो आप 80% मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, 80% मूवमेंट स्पीड लगा लो आप लगभग पैरालाइज ही हो जाएंगे, बहुत स्लो चलेंगे। तो उसके साथ आप काफी बेटर ढंग से इसको यूज कर सकते हो ओवरहीट को, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया ऐसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपको ये यूज करना है, ओवरहीट मारते रहो बस, ये साइड से ऐसे यूज कर लो बस, आप ऐसे यूज करते रहना है आपको। तो ऐसे आपको कॉम्बो बनाने, पोल्टरजिस्ट क्रिएट कर देना, उसके बाद आपको ये यूज करना है जिससे कि आपके आसपास एनिमीज आने से पहले वो स्लो डाउन हो जाए और आपको परफेक्ट टाइम मिल जाए पीछे होने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसकी एचपी काफी कम है, तो आपको अपना सेफ्टी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी ध्यान में रखोगे तो आपका खेल खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसीलिए आपको पोल्टरजिस्ट क्रिएट करना है जिसके आपके पास जो भी है वो डैमेज खाते हुए और उनकी जो मूवमेंट स्पीड है वो कम हो जाए, आपके पास आ ही ना पाए, और आपके पास आने के लिए उनको फुल हील यूज करना पड़ेगा या फिर इजेक्ट यूज करना पड़ेगा, और इजेक्ट यूज करने के बाद भी उनकी मूवमेंट स्पीड काफी स्लो रहेगी तो आपके पास टाइम रहेगा पीछे जाने के लिए। तो इसीलिए मुझे ये वाला मूवसेट ज्यादा बेटर लगा पोल्टरजिस्ट और ओवरहीट।
तो अब बात करते हैं इसके एम्बलम्स की। तो एम्बलम्स आज पे दो तरह के एम्बलम्स लगा सकते हैं, एक तो जो नॉर्मल मैंने आपको दिखाया था स्पेशल अटैकर वाला, आप ये यूज कर सकते हो। तो इसके साथ अगर आप सेल बेल और एनर्जी एम्प लगा दो तो उसका कूल डाउन कम कर सकते हो, तो उसके साथ काफ़ी बेटर है। लेकिन ओवरऑल मैं प्रेफर करूंगा ये वाला जिसमें हमारी स्पेशल अटैक और एचपी भी बढ़ती है। तो ये वाला एम्बलम जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ चांडिलियर पे, काफ़ी बढ़िया है। इस पे स्पेशल अटैक भी काफ़ी बढ़ जाता है और थोड़ी बहुत एचपी भी बढ़ जाती है, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा। इसके लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो या फिर स्पेशल अटैक वाला जो मैंने बताया वो भी यूज कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके बिल्ड की। तो बिल्ड में जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसमें हमारा वॉइस ग्लास, चॉइस स्पैक और स्लिक स्पून। तो आप स्लिक स्पून को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसका पैसिव एबिलिटी 20% स्पेशल डिफेंस को इग्नोर करती है और स्लिक स्पून का भी वही काम है, तो ये दोनों प्लस होकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको चेंज करके स्पेशल अटैक स्पैक लगा सकते हो या सेल बेल भी लगा सकते हो, आप चाहो तो बॉडी बैरियर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा पूरा अटैक बिल्ड के साथ ही ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो आप इस पे स्पेशल अटैक स्पेक लगा सकते हो ये वाला, या फिर आप सेल बेल भी यूज कर सकते हो। अगर आपको सीडीआर वाला चाहिए तो आप सेल बेल और एनर्जी एम्प लगा सकते हो और बाकी कोई सभी एक चश्मा यानी कि ये ग्लासेस कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये तो थी चांडिलियर की डिटेल गाइड वीडियो, और बाकी गाइड वीडियोज भी आप देख सकते हो जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक देख सकते हो, वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हो बाकी वीडियोस के गाइड, जिसमें मैंने उर्सीपू, रोड्रियो और बाकी बहुत सारे पोकेमॉन्स के गाइड वीडियो बना रखे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो यार, वैसे मेरे को उम्मीद है कर ही दिया होगा। और चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट गाइड वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियोस बनाते रहते हैं और आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।